इंदौर में सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल के नवारक्षक बैच संख्या 178 179 के कुल 299 नव आरक्षकों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरक्षकों के परिजनों के साथ आला अधिकारी भी शामिल हुए। नव आरक्षकों को 37 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न हथियारों, ड्रिल, शारीरिक प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक दायित्व तथा कानूनी अधिकार का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ये नव आरक्षक प्रदेश प्रशासन व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं। समारोह के प्रारंभ में इन नव आरक्षक को 21C ADM ट्रेनिंग संजय कुमार सिंह, अनंत सिंह कमांडेड प्रशिक्षण एवं तत्पश्चात मुख्य अतिथि परविंदर सिंह वैस महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र इंदौर को सलामी मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद नव आरक्षकों ने सुंदर और गरिमामय मार्च पास्ट किया। मुख्य अतिथि की प्रस्तुति में राष्ट्रीय ध्वज को साक्षी रख नव आरक्षकों ने अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा के साथ करने की शपथ ली। मुख्य अतिथि द्वारा प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को मेडल भी प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि इन नव आरक्षकों ने बेबुनियादी प्रशिक्षण कड़ी मेहनत और लगन से किया है, यह निश्चित रूप से व्यावसायिक क्षेत्र में दक्ष बनाएगा। इंदौर से भारती व्यास की रिपोर्ट।